नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, MD होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आप सबका स्वागत करता हूँ। नीलेश कवड़े साहब, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र नीलेश कवड़े साहब। पीयूष खर्ची जी ऑडिबल है, बस एक 50 हो जाएंगे ना। सत श्री अकाल तलवर साहब, नमस्ते सुनील कुमार जी, वॉइस इज ओके कोमल गुप्ता जी, धन्यवाद। एक 50 होने जा दीजिए, लाइव मैं स्टार्ट करता हूँ। आवाज़ परफेक्ट है, जगदाळे साहेब आवाज़ देतो आहे। कवडे साहेब धन्यवाद, बस 50 हो दिया, मैं बोलना सुरुआत करतो। इसलिए जाति को और रिलीजन को इतना महत्व नहीं। बात करने का आज का रीज़न है, आपको एक छोटी स्टोरी बोलता हूँ मैं। एक स्वतंत्र संग्राम का एक बहुत बड़ा नाम, फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, क्या करेंगे। आपको पता है किसी के भी ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम नहीं आते, डॉक्टर जगदाळे को छोड़ के किसी के ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम नहीं आता है, सिर्फ डॉक्टर जगदाळे के ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम आता है। एक बहुत बड़ा नाम स्वतंत्र सैनिक जो देश के लिए फांसी के तख्ते पे लटक गया, नाम सबको पता है, नाम बाद में बताऊंगा मैं, मगर उसके माँ को क्या मिला। उसकी माँ 2003-2004 के आसपास उम्र के 110वें या 109वें साल में बिना किसी आर्थिक सहयोग के, बिना किसी सरकारी सहयोग के, बिना किसी जन समुदाय के सहयोग के मजदूरी करते वक्त मर गई। उसका जो चाचा था, जिसने गाना लिखा था पगड़ी संभाल ओ जट्टा पगड़ी संभाल ओए, ये गाना जिसने लिखा था ना, वो था उसका चाचा, जिसने 1911-12 के टाइम पे जो किसान आंदोलन हुआ था उसका, भारत यानी जो पाकिस्तान और भारत मिलके जो था उसका, जो था उसका नेतृत्व जिसने किया था वो उसका चाचा था। वो टाइम का ट्रैक्टर 1911-12 में, वो टाइम का ट्रैक्टर लेके उसने आंदोलन किया था और गाना लिखा था और गाना फेमस हो गया बाद में, उसको आज भी यूज करते हैं, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए। उसका चाचा का लड़का उम्र के 80-82 साल पे आज भी, अभी जिंदा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मगर जो मैंने आखिरी न्यूज पढ़ी थी उनके बारे में वो थी 2016-2017 की, वो आज भी पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं, दो वक्त का खाना नसीब नहीं है उनको, और उनको जिसकी गवाही के ऊपर, जिसके विटनेस के ऊपर ब्रिटिशों ने फांसी के तख्ते पे लटका दिया, उसको भारत के राष्ट्रपति भवन, भारत का सांसद भवन बांधने का, कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उस विटनेस को भारत का पद्मश्री दिया गया, उसके बेटे को पद्म भूषण दिया गया, उसको 99 इयर्स के लीज पे आपके दिल्ली का जो कैनॉट है वो प्लेस उसको दिया गया। हम जो लड़ रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला है, 2.5 साल से लड़ रहा हूँ, कुछ नहीं मिला है मुझे, मैंने कभी मांगा भी नहीं है आपसे, मगर जो आए हुए कंट्रोल अपोजिशन जो है वो दल्ले करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं और अभी भी कमा रहे हैं। कंटेंट
मेरा ही उठाते हैं जो मैंने बोला है, और लाखों रुपए कमा रहे हैं रोज के यूट्यूब के ऊपर और अलग अलग एजेंसी के थ्रू। तलवर साहब कुलदीप जी ने नाम लिखा है उस स्वतंत्र सेनानी का, क्योंकि वो पंजाब के हैं, उनको पता है वो पंजाबी कौन है, उसको फांसी के तख्ते पे लटका दिया और उसको लटकाने वाले विटनेस को इनाम मिला। वो जो था फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला विटनेस, उसकी नाती का नाम है जो सैफ अली खान की पहली बीवी है, उस फांसी पे लटके हुए संग्राम में, स्वतंत्र संग्राम में लटके हुए सेनानी का नाम है भगत सिंह, और उसको जिसके विटनेस के ऊपर ये फांसी दी गई उसका नाम था खुशवंत सिंह। तलवर सिंह जी ना लिखा है, सही लिखा है खुशवंत सिंह, जिसके विटनेस के ऊपर फांसी के तख्ते पर लटकाया गया भगत सिंह जी को, राजगुरु को, सुखदेव को, इन तीनों को जो फांसी हुई थी। मोदी जी कहते हैं और बीजेपी कहती है कि महात्मा गांधी ने तो प्रयास नहीं किया भगत सिंह जी को बचाने का, ये क्यों नहीं कहते हो कि जिसको विटनेस दिया गया था वो खुशवंत सिंह था, आई विटनेस, एक ही था, एक ही, और उसकी नाती का नाम है अमृता सिंह जो सैफ अली खान की फर्स्ट वाइफ है। बताने का रीजन, ये स्टोरी बताने का रीजन, तब भी भगत सिंह को कुछ नहीं मिला था, तब भी भगत सिंह की फैमिली भूखे नंगे थे, तब भी गद्दारों को पैसे मिले थे, तब भी गद्दार ऐश मना रहे थे। हम आज भी लड़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला है। आज भी हम अगर फुल फेज में आएंगे ना, हमारी फैमिली भूखी मर जाएगी, क्योंकि मैं क्लिनिक पे बैठा हूं तो मैं कमा रहा हूं, अगर क्लिनिक छोड़ूंगा मैं, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली को भी, मेरे बच्चे हैं, तो इतना होते हुए भी जितने लड़ सकते उतना लड़ रहा हूं, और उसमें मैंने आर्थिक सहयोग मांगा, क्योंकि आपके साथ जो 2.5 साल से बात कर रहा हूं ना, इसका डायरेक्ट परिणाम मेरे प्रैक्टिस पे हुआ है। जो भी मेरे पेशेंट थे, जो भी उसमें से बीजेपी और आरएसएस के फॉलोअर थे, और जो भी उसमें हिंदुत्ववादी लोग थे, क्योंकि मैं हिंदुत्ववादी, प्रो हिंदुत्ववादी में नहीं, मेरे लिए सभी समान हैं, हमने आर्थिक सहयोग मांगा क्योंकि हमें हमारी फैमिली पूछती। मेरा यूट्यूब चैनल था, 50,000 रुपये सब्सक्राइबर तब थे, ये भी आज 1-1.5 लाख होते थे, तब आज सब कंट्रोल है, यूट्यूब कंट्रोल बंद हो चुका है मेरा, ट्विटर हैंडल डिलीट हो चुका है मेरा, आप सभी से सहयोग की एक रिक्वेस्ट करता हूं। मेरा गूगल पे नंबर है 9096289202, वही मेरा फोन पे भी है नंबर, मेरा अकाउंट नंबर है 3039391711, IFSC कोड है SBIN00107911। आपका आर्थिक सहयोग हमें रहेगा तो हम